दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड मैकेनिक्स में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके मोमेंट चैप्टर से लिया गया है, आघूर्ण चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आपके सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड इसमें से दूसरा जो क्वेश्चन है वो 2010 एंड 2012 में पूछा जा चुका है। सो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एंड वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। देखिए दोस्त, क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बल आघूर्ण से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक बताइए। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को आप जो है वो दो नंबर के माध्यम से भी कर सकते हैं एंड पाँच नंबर माध्यम से भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन से सेक्शन में ये पूछा जाता है। दो नंबर में अगर आपको पूछेगा तो सिंपली इसकी परिभाषा लिख देनी है एंड इसका मात्रक बता देना है। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर में पूछता है तो आपको थोड़ा डिफाइन करना होगा इसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो लॉन्ग आंसर में पढ़ रहे हैं ताकि हमारा शॉर्ट भी इसका जो है वो क्लियर हो जाए, कि अगर शॉर्ट तरीके से भी पूछेगा तो हम उसे लिख पाएँ। देखिए, बल आघूर्ण क्या होता है इसे हम समझते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि बल आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो किसी पिंड पर लगा कोई बल जब उसे किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयत्न करता है तो बल की यह प्रवृत्ति बल का आघूर्ण कहलाती है। देखिए, कोई भी पिंड है, अगर कोई भी एक्सिस के परितः वह घूमने की प्रवृत्ति रखता है एंड एक किनारे पर उसके अगर हम बल लगाएं तो वो जो है वो अपने एक्सिस के परितः घूमने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो किसी पिंड पर कोई बल के प्रभाव से वह पिंड किसी अक्ष के परितः घूमने का जो प्रयत्न करता है तो बल की यह प्रवृत्ति बल का आघूर्ण कहलाती है, मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि देखिए, ए बी एक जो है वो वस्तु है, पिंड है, कुछ भी मान सकते हैं एंड इस पे जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ एक बल एफ कार्य कर रहा है, ठीक है। एंड ये बिंदु ओ जो आप देख पा रहे होंगे, इसके परितः जो है वो वस्तु स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, ठीक है। तो जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो ये जो है वो घूमने का प्रयत्न करती है अपने अक्ष के परितः, ठीक है। तो यही जो घूमने की प्रवृत्ति होती है इसे वो बल का आघूर्ण कहलाती है, यानी कि बल के प्रभाव में वस्तु का किसी अक्ष के परितः घूमने का प्रयत्न करना बल की यह प्रवृत्ति बल का आघूर्ण कहलाती है, ठीक है। तो देखिए, इसे आपको लिखना कैसे है, ये चित्र बना देना है जो आप चित्र आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और लिखना है इसमें कि चित्र में प्रदर्शित एक वस्तु जो है वो बिंदु ओ के परितः स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, ठीक है। ये ए बी एक वस्तु है और ओ जो है वो उसका मिडिल पॉइंट है और इसके परितः वो घूम सकती है, ठीक है। जब बिंदु ए पर एफ बल लगाया जाता है, अब देखिए, एफ बल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, बशर्ते यह है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ बल की डायरेक्शन होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो इसकी जो आघूर्ण लेंगे हम वो क्लॉकवाइज लेंगे एंड नीचे से ऊपर की ओर बल लग रहा है तो इसकी आघूर्ण जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। तो ये चित्र में आपको नीचे से ऊपर की तरफ बल लगा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जब बिंदु ए पर बल लगाया जाता है तो पिंड बिंदु ओ के परितः घूमने लगता है, ठीक है। और यदि बिंदु ओ से बल की क्रिया रेखा की लंबिक दूरी, यानी कि बिंदु ओ जहाँ से वो वस्तु जो है वो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और जहाँ बल लगाया जा रहा है बिंदु ए पे, इसके बीच की लंबिक दूरी डी है, तो हम लिख सकते हैं, हम क्या जानते हैं कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणे जो जहाँ से वस्तु घूम सकते हैं, यानी कि अक्ष से लंबिक दूरी जहाँ बल लगाया जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि बल गुणे दूरी जहाँ से वस्तु घूम सकती है और जहाँ पे बल लगाया जाता है उनके बीच की लंबिक दूरी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बल आघूर्ण बराबर एफ इंटू, और इसके बीच की दूरी कितनी है, ओ ए, पहले ओ ए लिखते हैं, लेकिन इसके बीच की दूरी हमको दे दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा दिया है डी, ठीक है। उनके बीच की लंबिक दूरी कितनी दी है, डी। तो देखिए, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि बल का आघूर्ण, यानी कि बल आघूर्ण को हम कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ इंटू स्मॉल डी। और इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबिक दूरी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा एंड दूसरे शब्दों में अगर हम कहने का प्रयास करें, ये फॉर्मूले बेस के आधार पर कहें, तो बल के परिमाण एफ
तथा घूर्ण अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लांबिक दूरी, जहाँ से घूर्ण अक्ष है, जहाँ से वो वस्तु घूम सकती है स्वतंत्र रूप से, वहाँ से क्रिया रेखा की लांबिक दूरी d के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, बल का आघूर्ण कहते हैं। एंड अगर इसके मात्रक की बात करें कि मात्रक इसका क्या होता है, तो m इक्वल्स टू क्या होता है, f इंटू डी, f का मात्रक न्यूटन और d जो है वो दूरी है, तो उसका मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो डेफिनेटली जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उतना आपको मिल सकता है। डिपेंड करता है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो फुली मार्क्स आपको मिलेगा, एंड राइटिंग थोड़ी सी अगर आपकी सही नहीं है तो एक दो नंबर आपका कट सकता है। ठीक है दोस्त, सो इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपको लिखना है एकदम चित्र बना के और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन करके। ठीक है दोस्त, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए दोस्त, दूसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2010 एंड 2012 में आपके सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, सो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि बलयुग्म तथा बलयुग्म के आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, केवल परिभाषा इसका लिख देना है दोनों का, आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में जितने भी मार्क्स मिलते हैं 5 नंबर वो आपके मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो हमारा है सबसे पहला टॉपिक बलयुग्म क्या होता है। बलयुग्म यानी कि कपल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। देखिए दोस्त, दो समान परिमाण के तथा विपरीत दिशा में लगने वाले समतलीय बल जिनकी क्रिया रेखाएँ अलग अलग होती हैं बलयुग्म बनाते हैं। अब देखिए, दो समान परिमाण का सेंस क्या हुआ, ये भी कंसेप्ट आपकी क्लियर कर दूं कि मान लीजिए दो बल लगे हैं, एक का अगर परिमाण 20 न्यूटन है तो दूसरे का भी परिमाण 20 न्यूटन ही होना चाहिए, तभी वो समान परिमाण के हो गए। ठीक है, तो दो समान परिमाण के तथा विपरीत दिशा में, यानी कि एक अगर जो फोर्स है वो अपवर्ड लगा है तो दूसरा डाउनवर्ड लगा होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों जो है वो विपरीत दिशा में लगने वाले समतलीय बल जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, यानी कि एक नहीं होनी चाहिए, उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होनी चाहिए, बलयुग्म बनाते हैं, कपल बनाते हैं। ठीक है, और बलयुग्म बनाने वाले बलों का बीजगणितीय योग 0 होता है। क्यों? क्योंकि जब समान परिमाण है और जब इसके परितः हम आघूर्ण लेंगे किसी बिंदु के परितः, तो एक की जो दिशा होगी वो क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में लगे हैं। और जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होगी तो एक का साइन प्लस आएगा, एक का साइन माइनस आएगा, तो कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो सेंस हमारा क्या निकलता है कि बलयुग्म बनाने वाले बलों का बीजगणितीय योग 0 होता है, अतः बलयुग्म की प्रकृति रेखीय गति देने वाली नहीं होती है, बल्कि घूर्णन गति देने वाली होती है, रोटेशनल मोशन देने वाली होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको कपल समझ में आया होगा कि बलयुग्म क्या होता है। अब आ जाते हैं दूसरा हमारा क्या पूछा है इसमें, कि बलयुग्म तथा बलयुग्म के आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल। तो देखिए, बलयुग्म का आघूर्ण बलयुग्म के दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा बलों बलयुग्म के दोनों भुजाओं के बीच की दूरी को, लंबवत दूरी को हम बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि बलयुग्म बनाने वाली दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा बलयुग्म की भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी को, जो दोनों बल लगे हैं उनके बीच की दूरी जो होगी, उनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो जितनी होगी उसके गुणनफल को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कपल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ इंटू डी, यानी कि बल दोनों, मान लीजिए कि दोनों बल एफ लग रहे हैं, तो एफ एक ले लिया, एक का परिमाण एफ ले लिया और उनके बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी तो स्मॉल डी है, तो हमने स्मॉल डी ले लिया, तो मोमेंट ऑफ कपल हमारा क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी। ठीक है, तो ये बलयुग्म की जो है बलयुग्म के आघूर्ण की परिभाषा हो गई, तो आप इस तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अब एक और क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है इसी के साथ साथ कि बलयुग्म की विशेषताएं या गुण बताइए, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक दो चीज़ें मैं आपको इससे रिलेटेड बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बलयुग्म के बलों का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये विशेषताएँ की जगह पर पहला पॉइंट दे के आप लिख सकते हैं। दूसरी पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि एक बलयुग्म केवल समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बलयुग्म द्वारा ही संतुलित हो सकता है। ठीक है, जब एक बलयुग्म
एक बलयुग्म जो होता है वो केवल समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बलयुग्म द्वारा जो है वो संतुलित हो सकता है। ये बात अगर आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो मैं समझा देता हूँ। क्या कह रहा है एक बार और पढ़िए, एक बलयुग्म केवल समान परिमाण, देखिए जो दूसरा बलयुग्म भी लेंगे जो इसे संतुलित करने के लिए लेंगे उसका भी परिमाण इसके परिमाण के समान होना चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। मान लीजिए ए बी है, तो ए बी में ए के ऊपर जो पहला बलयुग्म लेंगे ए के ऊपर जो है वो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो दूसरा जो बलयुग्म लेंगे उसे भी हम ए1 बी1 मान लेंगे, तो ए1 पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड होना चाहिए तभी वो संतुलित होगा। तो आई थिंक आपको इस चीज़ समझ में आई होगी कि एक बलयुग्म केवल समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बलयुग्म द्वारा ही संतुलित हो सकता है। तीसरी जो चीज़ है, तीसरी जो विशेषताएँ आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, वो ये लिख सकते हैं कि बलयुग्म के बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग किसी बिंदु के परितः बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तीनों पॉइंट को आप लिख सकते हैं विशेषताओं की जगह पे, तो आपको जो है वो नंबर बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल आपको बलयुग्म तथा बलयुग्म के आघूर्ण को परिभाषित करने के लिए कहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका क्रिएट हो सकता है सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, एंड ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम सेकेंड सेमेस्टर की वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।